प्रश्नकाल अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संरक्षण चाहते हुए पूछूंगा ये, और एक मिनट प्रश्न विषय में आपको अवगत करवा देता हूं। इसमें आपने 139 स्वीकृत की थी, राजा साहब के उसमें बयान दूसरे हैं, इसमें जानकारी दूसरे हैं। मैं चाहता तो विशेषाधिकार, तो विशेषाधिकार पार्टी ने उनके छीन लिए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान इसमें दूसरा है, और ये गरीबों के लिए योजना है, इसमें क्या होगा? मैं स्पष्ट, मंत्री सही है कि मुख्यमंत्री जी का बयान सही है, हालांकि वो सदन के बाहर दिए गए, तो इसको स्पष्ट करना जरूरी है, इसलिए आप थोड़ा सा इसमें संरक्षण देंगे, ऐसा मेरी अपेक्षा है आपसे। मैं पहला आपसे प्रश्न करना चाहूंगा, और माननीय आप भी परिशिष्ट इसकी देख लें तो अच्छा होगा, कि जो दो वर्ष के इन्होंने शुरुआत में स्वीकृत किए 19-20 और 20-21 के, एक जगह इन्होंने, मैं संख्या को नहीं पढ़ता, पर हितग्राहियों की संख्या को चारों किस्त आपने नहीं दी 19-20 में, न 20-21 में, चारों किस्त नहीं दी है। ये चारों किस्त नहीं देने के कारण, और 21 इसमें शून्य है प्रथम किस्त, तो 20-21 में सारे प्रथम किस्त शून्य है, प्रथम किस्त शून्य है, तो इसके कारण क्या है? 19-20 में चारों किस्त आपने पूरा नहीं दिया है और इसमें शून्य है, इसके कारण क्या है? अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है कि अगर किस्त नहीं दी गई है तो राशि उपलब्ध नहीं थी, वरना किस्त दे दी जाती। मैं इस विभाग में रहा हूं माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किस्त केंद्र सरकार की उपलब्ध नहीं थी कि राज्य सरकार की उपलब्ध नहीं थी, और कितनी है वो राशि, कितनी है दोनों साल की, जिसके कारण कितनी राशि है वो दोनों किस्तों की जो राज्य सरकार को देनी? माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में ये योजना 2016-17 से प्रारंभ हुई थी, और इसके जो मैं स्पेसिफिक पूरी कहानी बता देता हूँ। कहानी मुझे मालूम है, मैं विभाग में था मंत्री, उस समय कितना बकाया था आप बता दें, आप उस समय केंद्रांश कितना बकाया? चंद्राकर जी प्लीज, आप प्रश्न अपने लिए पूछ रहे हैं कि सदन के लिए पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए पूछ रहे हैं? आपको जानकारी व्यक्तिगत हो सकती है, मगर सदन के अन्य सदस्यों को जानकारी नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल सही है, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें थोड़ा समय दे दीजिए। अगर वो विस्तृत उत्तर देना चाहते हैं तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, और वाकई में इसकी पूरी जानकारी, जैसा आपने भी कहा, सदन को भी पूरे और प्रदेश को भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई प्रकार की भ्रांतियां, अभी माननीय अजय जी ने भी कुछ बात को कहा सदन के अंदर और सदन के बाहर की, उसका भी मौका लगेगा, मैं उल्लेख कर दूंगा। 2016-17 से प्रारंभ हुई इस योजना में जो टारगेट प्रति वर्ष थे, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 232,903, 206,372, 348,960, 151,100 और 157,815, 157,815 जो वित्तीय वर्ष 2021 के थे, इसमें कोई भी राशि उपलब्ध नहीं हुई है, और इसमें केंद्रांश 1200 करोड़ का और राज्यांश 800 करोड़ का प्रस्तावित था इन कामों को करने के लिए, 157,815। और वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है, इसमें केंद्र सरकार से आवंटन ही नहीं आया, हमको टारगेट ही नहीं मिला, क्योंकि पुराना टारगेट नहीं था। तो मैं नीचे से चालू करके इसलिए इस बात की जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि आपने ये दोनों प्रश्न भी पूछे। और केंद्रांश और राज्यांश 16-17 का अनुपलब्ध शून्य है, 17-18 का अनुपलब्ध शून्य है, 18-19 में केंद्रांश 25,85,000 अपेक्षित है, वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और 19-20 का 300.4 करोड़ अपेक्षित है, राज्य सरकार का 762.81 अपेक्षित है। ये प्रक्रिया में था, लोन लेने का निर्णय पिछली सरकार ने लिया था कि अब बजट से ना देके हम लोन लेके इस योजना को क्रियान्वित करेंगे, तो हमारा प्रक्रिया में है 762.81 करोड़। ये
हो भी जाना है, मेरे ख्याल से इसकी मंजूरी भी हो जाएगी, लेकिन इस बीच में ही केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य था उसे वापस ले लिया। 31 अक्टूबर का उन्हें जरूर समय दिया था, लेकिन ये अत्यंत संवेदनशील इस योजना के लिए, जब हम प्रक्रिया में थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार केंद्र सरकार के अधिकारियों के और राज्य के अधिकारी अवगत करा रहे थे कि ये होने के कगार पे है, तो इसको रहने दें, इसको कैंसिल ना करें, लेकिन उन्होंने इस लक्ष्य को भी विड्रॉ कर लिया। तो ये 6 सालों की मैंने आपको जानकारी दी, पहले 2 साल का न राज्यांश न केंद्रांश पेंडिंग है, तीसरे साल का 25.85 करोड़ केंद्रांश लंबित है, चौथे वर्ष का यानी 19-20 का 300.4 केंद्रांश और 762.81 राज्यांश अपेक्षित है, और 20-21 में यदि योजना लागू होगी, अभी ये तो 19-20 का ही हमको केंद्रांश भी नहीं मिला है, तो 2000 करोड़ 1200 केंद्रांश और 800 राज्यांश लगेगा। माननीय महोदय, मैंने बहुत स्पेसिफिक प्रश्न किया है जो इसमें